Good morning, all of you. Myself Sandeep Das. I'm your computer teacher. Okay, today we will discuss about the using formulas. Today we will discuss using formula. Okay, why we use formula in our worksheet Excel? We do certain calculation. Okay, in our worksheet Excel. हम लोग फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो हमारा एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या उससे भी कई ज़्यादा टफ से टफ कैलकुलेशन हो, तो हम फॉर्मूला की मदद से हम सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे, फर्स्ट वी सी यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला. कैसे एक सिंपल फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो You just see, there is a table, okay? मैंने यहाँ पे टेबल एक क्रिएट किया. टेबल क्रिएट पर करने पर आपको यहाँ पे सर्टेन डेटास दिख रहे हैं जो हम अपने सेल में इंटर किए हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्टेन डेटास को फीड करने के बाद हमने सारा डेटा को अपने सेल में फीड कर दिया. उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टेन सिंपल कैलकुलेशन करना है. सिंपल कैलकुलेशन सिर्फ आपको एक एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन में कहता है कि आप ऐड करना है अपने वर्कशीट एक्सेल में. ठीक है, तो उसके लिए हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें रोल नंबर इनपुट किया, उसके बाद टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री का हमने मार्क्स फीड कर दिया. ठीक है, टेबल में हमने मार्क्स को फीड कर दिया. फीड करने के बाद अब उसको हमको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. सिंपल यानी वो हमें ऐड करके तुरंत हमारा रिजल्ट को हमारे एक्सेल वर्कशीट में सेल में हमें प्रोवाइड कर दे. ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे कि हमने E1 में टोटल जो लिखा है, ठीक है, उसके जस्ट E2 में हम इंटर करेंगे. करने पर आप इक्वल टू साइन देंगे. आपको पहले भी क्लास में बताया था, पिछले क्लास में, कि जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, यूजेस होते हैं इक्वल टू साइन से. तो हमने सबसे पहले इक्वल टू साइन, उसके बाद B2, ये हमारा B2 है, ये सेल एड्रेस है, तो सेल एड्रेस को B2 यहां पे लिए, सेल रेफरेंस, उसके बाद C2, उसके बाद D2, ये सेल एड्रेस सेल रेफरेंस हमने लिया. उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वो जो सिंपल कैलकुलेशन होगा फॉर्मूला को लेकर के, वो हमारा यहां परफॉर्म हो जाएगा. ये है आपका सिंपल फॉर्मूला यूज होता है. ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ सिंपल फॉर्मूला यानी सर्टेन सेल एड्रेस सेल रेफरेंस को लेकर के हमने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म किया है. ठीक है, ये था हमारा सिंपल फॉर्मूला. ओके, अब आते हैं कंपाउंड फॉर्मूला. कंपाउंड फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड फॉर्मूला, मतलब एक से ज्यादा ऑपरेटर को यूज होते हैं. कंपाउंड फॉर्मूला में एक से ज्यादा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो कंपाउंड फॉर्मूला कहलाता है. ठीक है, आप यहां देखेंगे कि कंपाउंड फॉर्मूला का हमने एक टेबल क्रिएट किया है. टेबल क्रिएट करने के बाद हमने वही सारा सेम डेटा हमने फीड किया है इसी टेबल में. ठीक है, आपने देखा कि रोल नंबर है, उसके बाद टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री का मार्क्स हमने फीड किया सेल में, उसके बाद उसका टोटल हमने यहां पे हर एक सेल में प्रोवाइड कर दिया. करने के बाद अब हमको इसका एवरेज निकालना है. एवरेज, ठीक है, एवरेज. एवरेज कहने का मतलब कि हमारा जो टोटल आया है, ठीक है, उसका एवरेज क्या होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड फॉर्मूला. कंपाउंड फॉर्मूला में बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग मोर देन वन ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड द कंपाउंड फॉर्मूला. इसे कंपाउंड फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है, तो कंपाउंड फॉर्मूला में हमने सबसे पहले यहाँ पे परफॉर्म किया एडिशन का, जो हमारा टोटल यहाँ हो गया है 3 टर्म का मार्क्स. उसके बाद उसको करने के बाद अब हमें एवरेज का परफॉर्म करना है. तो एवरेज के लिए हम जहां भी एवरेज का जो हमको निकालना है, जिस भी सेल में F2 पे, ठीक है, कहां F2 पे हमको करना है परफॉर्म, तो F2 पे आप क्या करेंगे, यहां पे जिस भी सेल में, तो वहां इक्वल टू साइन देंगे. इक्वल टू साइन देने पर उसके बाद जिस भी सेल का एड्रेस हमको करना है, ठीक है, E2, क्या यहां पे E2, हमें E2 का जो है उसे एवरेज करना है. ठीक है, E2 का जो टोटल आया है उसका एवरेज हमें F2 के सेल में करना है. तो उसके लिए हम F2 के सेल में इक्वल टू साइन E2 मॉड साइन, ठीक है,
जो डिवाइड का साइन है और उसको 3 से डिवाइड, मतलब हमने तीन टर्म का जो मार्क्स है 3 को लेकर के हमने उसे डिवाइड किया, तो जाकर के हमें एवरेज पता चल जाएगा कि एवरेज क्या है। ठीक है, इस तरीके से हमने एवरेज परफॉर्म किया है कंपाउंड फॉर्मूला को लेते हुए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके सर्टेन स्टेप्स और कैसे क्या है, ये हम बुक्स में देखेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, सो वी सी सम स्टेप्स टू फॉलो यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला। आपने देखा था अभी जस्ट बोर्ड पे कि कैसे हम सिंपल फॉर्मूला को यूज किए। सो फर्स्ट यू सेलेक्ट द सेल, आप यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किए। ठीक है, पहले स्टेप्स में, ठीक है, जो हमारा E3 है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आप उस सेल में इक्वल टू साइन के साथ उस सेल रेफरेंस, जितने भी सेल रेफरेंस है उसको मेंशन करेंगे, देख रहे हैं आप। उसके बाद आप उसे एंटर करेंगे तो आपका वो सेल में टोटल आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर चाहते हैं कि ये बाकी सेल्स में भी खुद ब खुद हो जाए तो आप ऑटोफिल का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो हमारा E3 का जो है सेल, उस पे लास्ट पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे नीचे की ओर, वो ऑटोमेटिक आपका सारा सेल फिल हो जाएगा विद द आंसर। ये ऑप्शन आपको ऑटोफिल के जरिए मिलती है। सो हमने देखा यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला, कैसे हम सिंपल फॉर्मूला को यूज कर करके हमने वर्कशीट एक्सेल पे परफॉर्म किया है सर्टेन कैलकुलेशन को। ओके, उसके बाद कंपाउंड फॉर्मूला। कंपाउंड फॉर्मूला जैसे हम टोटल मार्क्स को, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ना हो, ठीक है, उसके एवरेज को निकालना हो, तो हम कंपाउंड फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ होते हैं सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म होने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने सेल को सेलेक्ट किया जो हमारा F3 है, जहाँ पे हमें निकालना हो। उसके बाद उस सेल में इक्वल टू साइन को प्रोवाइड करना होगा। क्या करना होगा? इक्वल टू साइन को प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आपको सेल एड्रेस वहाँ पे देना होगा, जिस भी सेल एड्रेस को आपको मेंशन करना है। जैसे हमारा E3, हमने इक्वल टू के बाद E3 का सेल एड्रेस प्रोवाइड किया। उसके बाद आपको डिवीज़न साइन का सिंबल देना है। ठीक है, डिवीज़न साइन के बाद उसके बाद हम एंटर करेंगे 3, उसके जस्ट नीचे बगल में। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे कहलाते हैं, उसको निकालना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो बी होगा 601 का रोल नंबर का, वो हमारे इस सेल पे उसका एवरेज दिख जाएगा। ठीक है, F3 में रोल नंबर 601 का हमारा एवरेज दिख जाएगा F3 के सेल कंटेन में। ठीक है, इस तरीके से हम कंपाउंड फॉर्मूला की मदद से हम सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आता है टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूलाज क्यों परफॉर्म होता है? ठीक है, ये ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं करते। जैसे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको टेक्स्ट वैल्यू और टेक्स्ट स्ट्रिंग को परफॉर्म होता है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मूलाज कहने का मतलब ना ही यहाँ पे आपको एडिशन देखने को मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्स्ट वैल्यू और टेक्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको एक्सेल प्रोवाइड करती है, अलाउ करती है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज या स्ट्रिंग आपको जोड़ करके उस सारे सेंटेंस को आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी चीज़ ऑपरेशन को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, द एम्परसेंट सिंबल इज यूज टू जॉइन द स्ट्रिंग। एम्परसेंट जो साइन है, हमारा सिंबल है, वो दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। दो स्ट्रिंग मतलब दो ऐसे स्ट्रिंग जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम एम्परसेंट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो डबल इन्वर्टेड क्विट्स से होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा से होते हैं, तब जाकर के वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जांपल के रूप में, आप देखेंगे कि हमने लिखा, ठीक है, टाइप किया डबल इन्वर्टेड कॉमा में गुड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद एम्परसेंट जो सिंबल है हम इस्तेमाल किए हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए दो स्ट्रिंग, हमारे पास दो स्ट्रिंग है, गुड और हैबिट, यानी हैबिट और गुड को हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में
कर रखा है और उसके बीच में हमने एम्परसेंट का सिंबल इस्तेमाल किया है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। उसके बाद जो सेल में देना है उस सेल में उसको आपको फीड करना होगा, उसके बाद एंटर करना होगा, करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा डिस्प्ले हो जाएगा ये गुड हैबिट्स। आप यहाँ पे जो लिए हैं स्ट्रिंग आपको इस तरीके से डिनोट हो रहा है, शोज हो रहा है, लेकिन आप जब सेल में एंटर करेंगे तो आपका रिज़ल्ट कुछ और होगा। देख रहे हैं यहाँ पे गुड हैबिट्स, यानी गुड और हैबिट एक साथ हमने सेल में लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा में गुड अलग, एम्परसेंड साइन और हैबिट्स। तो ये जब एंटर करने के बाद हमारा ये दोनों वर्ड एक साथ आ गए। ये होता है टेक्स्ट वैल्यू और टेक्स्ट स्ट्रिंग। ओके, अब हम एम्परसेंट सिंबल को इस्तेमाल करेंगे एज अ फॉर्मूला, ठीक है, इन अ फॉर्मूला में। तो पहले हमको सेलेक्ट करना होगा सेल, जो सेल पे करना है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक टेबल क्रिएट किया एक सर्टेन रिकॉर्ड को देने के लिए, उसमें हमारा लैंग्वेज मार्क्स है, स्टूडेंट का नाम है, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, सर्टेन स्टूडेंट के नाम्स हो गए और उसके सर्टेन मार्क्स हो गए, ठीक है। अब हमको अरुणा जो है उसका मार्क्स हिंदी और इंग्लिश एक टेक्स्ट वैल्यू के रूप में शो हो हमारे एक्सेल में, तो उसके लिए हमको A3 पे जाना होगा, A3 को सिलेक्ट करना होगा इक्वल टू साइन के साथ, उसके बाद एम्परसेंट लिखना होगा, स्कोर लिखना होगा, उसके बाद एम्परसेंट फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर B3 देंगे, B3 के बाद फिर एम्परसेंट देंगे सिंबल, उसके बाद लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में मार्क्स इन हिंदी एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर एम्परसेंट सिंबल देंगे, उसके बाद C3 हम सेल एड्रेस को डिनोट करेंगे वहाँ पे, फिर एम्परसेंट सिंबल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप फिर से मार्क्स इन इंग्लिश को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इसके बाद जब आपका ये हो जाता है, जिस भी सेल में आप उसको रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको देख रहे हैं A8 हमारा जो सेल एड्रेस है A8 में, तो हमने वहाँ पे लिखा और एंटर प्रेस किया तो हमारा पूरा जो टेक्स्ट वैल्यू होगा वो शो हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे अरुणा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन हिंदी एंड 37 मार्क्स इन इंग्लिश, हमारा टेक्स्ट वैल्यू एज अ फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल हुआ है, यानी एम्परसेंट जो हमने सिंबल इस्तेमाल किया वो एज अ फॉर्मूला के रूप में टेक्स्ट वैल्यू में यूज़ हुआ है। तो हम लोग एम्परसेंट का इस्तेमाल एज अ फॉर्मूला भी कर सकते हैं टेक्स्ट वैल्यू में और स्ट्रिंग में। सो इस तरीके से आप जब आपका पहला सेल क्रिएट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट सेल पे दोबारा वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस उस पे प्लस साइन जो सेल पे नज़र आएगा उसको ड्रैग करते हुए नीचे की ओर ले आना है और वो आपका टोटल आपको दिख जाएगा कि बाकी सबका भी सेम एज अ प्रोसेस आपको आपके वर्कशीट एक्सेल में प्रोवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से आप एम्परसेंट सिंबल एज अ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सो Now your topic is over. The next topic is in the next video. Okay, thank you.